इस पर अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं क्योंकि यूपी दौरे पर हैं जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर। की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही है, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हो, ऋषि वशिष्ठ हो, ऋषि वाल्मीकि हो, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूँ और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहाँ उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूँ। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हों, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले ये उसके लिए सौभाग्य की बात है और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा अभी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है, उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते और काशी में 109 सीट्स जीती हैं और गोरखपुर में 147 सीट्स जीती हैं। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं। आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया, इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते। यह परिस्थिति थी देश की और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है, इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बन। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता के नेता नहीं हैं,
आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं, उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल के रख सकें इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, आप सब लोग लास्ट अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग, राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं, हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें, चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार, पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया, क्या थी उसकी संख्या, एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे, ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या, क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,80,00,000 लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2,80,00,000 उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपये साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये DAP में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2400 रुपए में आता था आज किसान को 1200 रुपए में मिल रहा है, यानी अगर वो 2400 दो बैग खरीदने जाना, एक बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो दो बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए, कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना। राम मनोहर अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए गांव से बाहर निकल करके उनको सड़कों पर आना पड़ता है, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको जाना पड़ता है। यह हमारे लिए दुख की बात है। कब कहा था? 60 के दशक में। कहां कहा था? पार्लियामेंट में। बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का काम किया तो स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। ABP News,
आपको रखे आगे।